हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गार्डनिंग विद वैष्णवी। तो आज हम देखने वाले हैं एक अनोखे पौधे के बारे में जिसका नाम है एग्लोनीमा। तो हम इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं, किस तरीके की सॉइल मिक्स चाहिए और कहाँ से आप इस पौधे को बुला सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास आया हुआ पार्सल। तो ये देखिए, ये मेरा प्यारा एग्लोनीमा आया है। तो देखिए पार्सल भी काफ़ी बड़ा है, तो चलो हम इसको खोलते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से ये पैक किया है और काफ़ी लंबा पार्सल है, जिसको खोलने के बाद हम देखिए इसके अंदर और एक कार्डबोर्ड है, जिसकी वजह से ना हमारे जो प्लांट्स है वो पूरे प्रोटेक्टेड रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से खींच लेते हैं। एक्चुअली इससे क्या होगा कि हमारे पौधे अच्छे से सेफ रहेंगे। देखिए कितने अच्छे से इसको सेफ्टी मेजर्स लगाए हुए हैं। तो नीचे से ना निकले इसलिए यहाँ पे सेलो टेप लगाया है। देखिए हमने इसको तोड़ लिया है, अभी हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे ये पौधे इस तरीके से पैक किए हैं। और आगे फिर दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारे पौधे। तो इनको आने में 25 को भेजा था और 1 दिसंबर को नाइट में मुझे मिला, यानी इनको आने में मुझे 6 दिन तो लग गए, बट फिर भी ये पौधे काफ़ी हेल्दी है। आप देख सकते हैं कितने हेल्दी और कितने अच्छे पौधे हैं। बट एक प्रॉब्लम मुझे इनके साथ हुई कि इनका साइज़ काफ़ी छोटा है। तो वैसे तो ये पौधे बहुत कॉस्टली है, तो साइज़ मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नर्सरी है इनकी, यहाँ पे इन्होंने देखे कितने प्यारे प्यारे ये कलर्स लगाए हुए हैं और बहुत वेराइटीज़ आती है इसमें, 100+ वेराइटीज़ आती है। तो मुझे तो अपने यहाँ पे थोड़े बहुत इसके कलेक्शन बनाने थे, इसीलिए मैंने इसकी थोड़ी बहुत वैरायटीज़ मंगवा ली। और कुछ वैरायटीज़ मेरे पास पहले भी थी जो कॉमन नॉर्मल है वही वाली। तो देख सकते हैं ये पापाया वैरायटी है और बहुत सारे वैरायटीज़ के तो नाम भी मुझे नहीं पता, और काफ़ी अच्छे से है ये ग्रो कर रहे हैं। तो एग्लोनीमा की जो खासियत है ना, इसके साथ नीचे से जैसे स्नेक प्लांट में नीचे से पब्स ग्रो करते हैं ना, वैसे इसको पब्स ग्रो करते हैं, या फिर इसको आप इसकी स्टेम से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। यानी एक प्लांट लाएंगे आप तो आपका 6 मंथ में पूरा गमला भर जाएगा। तो किस तरीके से भर जाएगा, क्या आपको केयर करनी है, किस तरीके से आपको पौधों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। तो तब तक आप ये वैरायटीज एंजॉय कीजिए। तो और एक बात, जब भी आप एग्लोनीमा ले तो इस पौधे को आपको लेना है रेनी सीजन में। विंटर में भी ले सकते हैं, बट विंटर में अगर आप लेंगे तो उसकी एक्स्ट्रा केयर आपको करनी पड़ेगी। बट आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जिससे आप केयर भी आसानी से कर पाएंगे। और ये जो पौधा है ये बहुत हार्डी है, चाहे 40+ भी टेम्परेचर हो जाए ये पौधे को कुछ नहीं होता। इसीलिए इस पौधे को मैं अपने यहाँ पे ग्रो करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे 47-48 आसानी से टेम्परेचर चला जाता है। अगर इतने महंगे पौधे लेंगे और वो इस टेम्परेचर में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो यही एक बात होती है जिसकी वजह से आपको अपने पौधे आपके टेम्परेचर, क्लाइमेट, वाटर रिक्वायरमेंट इसके हिसाब से चुनने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं अपने गार्डन में कैक्टस, स्नेक प्लांट, एग्लोनीमा या फिर पोथोस की वैरायटीज़ या फिलोस की वैरायटीज़ को ग्रो करना पसंद करती हूँ और सक्यूलेंट्स को बिल्कुल भी नहीं ग्रो करूँगी। तो चलो मैं आपके गार्डन के ये दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास पुराना एग्लोनीमा है जो मैंने 6 महीने पहले लगाया था। तो ये देखिए कितना काफ़ी बड़ा और हेल्दी ये प्लांट हो चुका है। और नीचे से देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसका एक पप आ रहा है, ये देखिए ये पप है इसका। इसी तरीके से नीचे से इसके पप्स ग्रो करते हैं, यानी जैसे जैसे आपका प्लांट अच्छे से बड़ा होता जाएगा ये पप्स ग्रो करते रहेंगे। इसको जो सॉइल चाहिए ना, ये मॉइस्ट रहने वाली चाहिए बट सॉगी भी नहीं चाहिए। अगर आप इसको सॉगी सॉइल में लगाओगे तो नीचे से इसके रूट्स गलने लगेंगे। सॉगी यानी जिसमें बहुत सारा पानी चिपचिपा सा रहता है, और मॉइस्ट यानी जिसमें सिर्फ पानी ही थोड़ा बहुत रहता है, यानी थोड़ा सा वेटनेस रहता है, थोड़ा गीला। तो ये सॉगी और वेट में का डिफरेंस है। आपको इसको पानी कब डालना है, जब इसका सॉइल पूरा सूख जाए तब आप इसमें पानी डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे भी नीचे 2 पप्स आ रहे हैं। तो देखिए एक प्लांट लगाया, एक प्लांट मुझे साल में 10 पप दे देगा,
आसानी से। और ये देखिए, ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है, ये बहुत कॉमन वेराइटी है। तो इस पर आप देख सकते हैं, इसके पत्ते थोड़े से खाए हुए हैं, तो ये कैटरपिलर ने खाए हैं, बट मैंने भी उनको खाने दिए, क्योंकि कैटरपिलर खाएंगे तो ये तो हमारे गार्डन में बटरफ्लाई बनेंगे ना। तो यहाँ पे भी देखिए, दो पप्स आ रहे हैं, तो ये 6 मंथ में इसमें 2 पप्स ग्रो कर रहे हैं, यानी हुआ ना मेरा फ़ायदा। एक 50 रुपये का प्लांट मुझे 6 मंथ में बहुत सारे पप्स ग्रो करके दे रहा है, तो ये बहुत समझदारी वाला पौधा होता है, ये जल्दी पॉट फिल करता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसको रूट से भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये रूट्स था और नीचे एक छोटा सा पौधा, तो इसको मैं इस तरीके से ये रूट्स इसमें डाल देती हूँ, तो इसको क्या होगा, थोड़े टाइम बाद नीचे से पप्स आना शुरू करेगा। यानी आप इतना छोटा सा भी इसका टुकड़ा हो, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ 6 मंथ पहले मुझे एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया था एग्लोनिमा का, तो इससे देखिए एक नया पप यहाँ पे आ गया है। और ये देखिए, ये साइड में, ये देखिए, ये जो टुकड़ा वो सूख गया है और उसके साइड में एक पप आ गया है। यानी आप छोटे से छोटे टुकड़े से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी आपको छोटा भी टुकड़ा मिल जाए या छोटा साइड पप मिल जाए, आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और इस प्लांट के लिए आपको सिर्फ आप पोटेशियम यानी आप बनाना की पील्स आप दे सकते हैं इस प्लांट को, आपको कोई भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप अच्छे से ग्रो करेगा। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट मेंटेन करके रखें, बस यही एक ध्यान रखने वाली बात है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ये सॉइल मिक्स। तो ये सॉइल मिक्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था, जो मेरे एशियाटिक लिली के बल्ब्स थे ना उनके लिए, तो अभी मैंने उनको सेव करके रखा है। तो ये सॉइल मिक्स को भी अभी मैं यूज़ करूँगी इन एग्लोनिमा के लिए। और इसमें जो मैं ये ऐड करने जा रही हूँ, ये है थोड़ा कोकोपीट, ये इन्हीं प्लांट्स के साथ आया था, तो मैं इसमें ये मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा, ये देखिए यहाँ पे इसमें और एक मुझे पप मिल गया, तो ये कोकोपीट में भी एक पप था, तो मुझे ना इतने सारे प्लांट्स के साथ 4-5 तो पप्स मिल ही गए, तो ये अच्छे से अभी ग्रो कर जाएंगे। तो चलो इनको मिक्स कर लेते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये देखिए, पूरा सॉइल को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसमें जो कुछ चीज़ें हैं ना उनको निकाल लेते हैं। तो सॉइल मिक्स में आपको कोकोपीट, थोड़ा सैंड और थोड़ा सा आपका गार्डन सॉइल मिक्स करके इतना ही लेना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉट में मैंने बेस में एक कपड़ा लगा दिया है ताकि पानी जो जाए मिट्टी के साथ ना जाए, पानी अच्छे से निकल जाए और मिट्टी हमारी बनी रहे और प्लांट भी हमारा अच्छे से खुश रहे। तो सॉइल मिक्स ऐसे होना चाहिए जिसमें समर में भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे जल्दी ड्राई ना होता हो, आप एक बार पानी डालें तो 3-4 दिन तो चली जाए। तो इसमें इस तरीके से हम प्लांट रख देते हैं। तो देखिए, एक साथ मुझे 2 प्लांट मिले हैं। तो इसमें रूट्स को हमने इस तरीके से रख दिया, प्लांट को मिडल में रख दिया और यहाँ से ना थोड़ा इस तरीके से हमने लगा दिया। तो मैं ज़्यादा मिडल में इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि साइड से इसको पप ग्रो होने चाहिए। तो ये देखिए, हमारे पूरे प्लांट सभी लग चुके हैं, पूरे रिपोर्ट हो चुके हैं और कितने प्यारे और फ्रेश लग रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।